इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में युद्ध विराम लगने के बाद एक बार फिर से नए हमले शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है दोनों ही तरफ से कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है। अभी एक ही दिन हुआ है युद्ध विराम किए हुए। और देखिए, इसी बीच अमेरिका ने तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए भिजवा दिए हैं, ये दावा किया गया। साइड में आप देख सकते हैं रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, युद्ध विराम होते ही आखिरकार ये नए हमले वाले दावों में कितनी सच्चाई है। दूसरा, यूएस ने फिर क्यों भिजवा दिए हैं 56,000 करोड़ रुपए, किसको? इसराइल को। आगे देखिए गाजा में क्या अब ज्यादा मचेगी तबाही, क्योंकि हिजबुल्ला से तो सीज़फ़ायर डील हो गई है। चौथा देखिए, ईरान के नए प्लान से कितनी तबाही मचेगी। और पांचवा, क्या हमास डील के लिए लड़ेंगे नेतन्याहू और अमेरिका, ये भी समझना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। और आज फिर से हम एक नए तरीके से शो कर रहे हैं। आपको साइड में स्क्रीन पर सारे वो सबूत दिख रहे होंगे, ग्राफिक्स दिख रहे होंगे जो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद हैं। और देखिए, सबसे पहले द गार्डियन की एक खबर है, इन्होंने बताया है किस तरीके से अभी एक दिन हुआ है सीज़ फायर हुए, लेकिन फिर भी दावे किए जा रहे हैं इजरायली टैंक्स ने हमले कर दिए सदर्न लेबनान में। मैंने आपको बताया था कल ही अपने शो में कि कैसे नसरल्ला के झंडे लेकर, हिजबुल्ला के झंडे लेकर साउथ लेबनान के जो लोग हैं जो भाग गए थे वो वापस आ रहे हैं, लेकिन उस पर अब इजरायली टैंक्स हमला कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है। नीचे देखिए आप, हिजबुल्ला एमपी ने ये कहा है कि सीज फायर वायलेशन हो रहा है इजरायल की तरफ से, और इजरायल ये कह रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से वायलेशन हो रहा है। थोड़ी और डिटेल दे देती हूँ, ये मैंने जो हाईलाइट कर रखा है इस रिपोर्ट में, 6 जगह ऐसी हैं आप देख सकते हैं, मरकाबा, वजानी, इन सब में हमले किए गए हैं इसराइल की तरफ से, यानी अभी भी इजरायली टैंक्स वहां से गए नहीं हैं, ट्रूप्स गए नहीं हैं। कल भी चाहे वो इजरायली लोग हों, चाहे वो लेबनान की अथॉरिटीज़ हों, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी, वो ये कह रही थी कि भाई अभी तो डील हुई है, 60 दिन के अंदर अंदर सबको बैकफायर करना है, यानी बैक ले लेना है अपने ट्रूप्स को, लेकिन अभी रुक जाइए। लेकिन जितने भी लोग हैं लेबनान के वो आ गए, लेकिन अभी दावा किया जा रहा है कि देखिए इसराइल हमले कर रहा है और सीज फायर वायलेशन हो रहा है। लेबनीज फैमिलीज जो रिटर्न कर रही हैं उनमें से 2 घायल भी हो गए हैं, ये पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि इसराइली ट्रूप्स अभी भी वहाँ पर मौजूद है। और इसमें इसराइल ये कह रहा है कि लेबनान के लोगों की आड़ में हिजबुल्ला के लड़ाके, यानी जो सस्पेक्ट्स हैं, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल तो यही है कि भाई सीज़ फ़ायर डील तो हो गई है, लेकिन ये रुकेगी कब तक? क्या ये सक्सेसफुल हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक ही दिन में हमले फिर से शुरू हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से हिजबुल्ला ने भी चेतावनी दे दी है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि कितनी ही डील, 2006 वाली बात आपको याद है ना, कि कितनी ही डील बना दी और कितनी ही फिर उल्लंघन हो गए, उसके बाद वापस लड़ाई शुरू हो गई। तो आखिरकार ये जो कही गई है बात, ये कितना ज़्यादा होल्ड करेगी, बड़ा सवाल है। आगे देखिए, हिजबुल्ला एमपी हसन फदलाला का ये दावा है कि किस तरीके से इसराइल ने अभी से ही सीज़ फायर डील को वायलेट करना शुरू कर दिया है, हमले करना शुरू कर दिया है। जितने भी लोग बॉर्डर से वापस लौट रहे हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, ये इनका बयान, मैं साइड में आपको बता रही हूँ गार्डियन की रिपोर्ट। इनफैक्ट रॉयटर्स ने भी ये दावा किया है, आप देख सकते हैं, इजरायली मिलिट्री कह रही है कि भाई हिजबुल्ला के लोग, वो लोग वायलेट कर रहे हैं, गाड़ियों और बाइक में भर के कुछ सस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो हमको, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार है सीज फायर डील में, तो हमको हमला करना पड़ रहा है, रॉयटर्स की खबर है। और मैं आपको इसलिए सारे सोर्सेज बताती हूँ कि आपको लगे ना कि कोई भी अनऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा आपके पास खबर पहुँचाई जा रही है, ऑफिशियल सोर्सेज से ये खबर आ रही है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, कि ये सब कुछ चल ही रहा है, अभी सीज़ फायर को एक ही दिन हुआ है, फिर ये हमले हो रहे हैं हर दुनिया में, देखिए कहीं ना कहीं अभी सबके मन में सवाल है कि कितना लंबी चलेगी, क्योंकि आपको भी पता है जनवरी 20 को ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। बाइडेन ने ये करवा तो दिया, लेकिन ये कितना लंबा होल्ड कर पाएगा? और इसी बीच देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट है, साफ लिखा हुआ है $680 मिलियन अभी पहुंचाया गया है अमेरिका से, आर्म्स डील हुई है यानी हथियारों की डील हुई है, और वहां से पैसा आया गया इसराइल। देखिए बाइडेन ने मंजूरी दे दी है $680 मिलियन की डील, और अगर इसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं तो 56,000 करोड़ रुपए, आप देख सकते हैं रिपोर्ट में ही दावा किया गया है। और देखिए एक मैं आपको बात बता दूं कि अभी तक जो अमेरिका की अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है इस पर, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दावा किया गया है। और आगे देखिए कि इसमें अगर मैं आपको बताती हूँ, अप्रूवल कम्स डिस्पाइट यूएस प्रॉमिस, अमेरिका ये प्रॉमिस कर रहा है कि हिजबुल्ला से तो हमने डील करवा दी है, लेकिन हम गाजा से भी करवाएंगे, लेकिन इसी बीच नए हथियार आ जाते हैं, नया फंड आ जाता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आगे देखिए, ये जो आर्म्स पैकेज है ये कई महीनों से लंबित था इस रिपोर्ट में कहा गया है, और अब जो ये लेटेस्ट डिलीवरी हुई है इसमें कुछ अलग तरीके से स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं। इसमें क्या होगा कि जितने भी डम बॉम्ब्स हैं उनको प्रिसीजन
प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स बनाया जाएगा। और देखिए इसराइल के लिए बड़ी बात है, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट कंफर्म द रिपोर्ट्स, इन्होंने इसमें साफ लिख रखा है। आगे बढ़िए, एक पूरा का पूरा ओपिनियन एनालिसिस है और आप देख सकते हैं साइमन टिस्डाल, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और गार्डियन में ये खबर छपी है और इनकी हेडलाइन देखिए, डोंट बी नाइव अबाउट द सीज फायर इन लेबनान, यानी अगर लेबनान में सीज फायर हो गई है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, इट मे मीन मोर हॉरर एंड डेथ इन गाजा, यानी गाजा में अब डर और लाशें यानी मौत अब ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हिजबुल्ला से तो सीज फायर हो गया तो पूरा इसराइल का फोकस कहां जाएगा, फिर से गाजा पे आ जाएगा, गाजा पे नए हमले होंगे। देखिए नेतन्याहू हैज नॉट सडनली टर्न डॉविश पीस मेकर, इनका ये तंज है कि आप ये मत सोचिए कि जो नेतन्याहू जिनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्राइम के लिए अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है वो अचानक से पीस मेकर बन गए, नहीं, ही कैन रीडिप्लॉय हिज ट्रूप, उनमें पूरी क्षमता है कि वो अपनी ट्रूप्स को वापस एक्शन के लिए बोल सकते हैं, वापस डिप्लॉय करने के लिए कह सकते हैं, और ये जो पीस डील है वो कभी भी किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। और अब तो जो इनके विचारधारा से एकदम मेल खाते हैं ट्रंप, जनवरी 20 को उनकी ऑफिशियल ताजपोशी होने वाली, अभी तो बाइडेन सरकार चल रही है लेकिन जनवरी में बदल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा ये बड़ी बात है और कितना लंबा चलेगी ये बड़ी बात है। आगे देखिए, बाइडेन में होप टू अचीव इन द डॉग डेज ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, यानी उनके कुछ ही लास्ट के दिन बचे हैं प्रेसिडेंसी के, तो उन्होंने ये बड़ा काम कर दिया कि देखिए भाई मैंने हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में सीज फायर करा दी, ये उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि दो महीनों में तो सत्ता इधर से उधर हो जाएगी, ट्रंप प्रशासन आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बाइडेन के करियर में तो लग गया कि चलो ठीक है आपने सीज फायर करा दी, और अगर वो गाजा वाले में भी कुछ करा देते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी पूरी जिम्मेदारी ट्रंप सरकार की होगी। नेतन्याहू हैज नो इंसेंटिव टू एंड गाजाज एगनी बिफोर इज आइडियोलॉजिकल एलाय, मतलब इसमें साफ कहा गया है कि नेतन्याहू किसी भी हालत में गाजा से अपना सीज फायर डील नहीं मंजूर करेंगे जब तक उनके ये जो आइडियोलॉजिकल एलाय हैं यानी जो ट्रंप है वो सत्ता में नहीं आ जाते हैं जनवरी 20 को, और उसके बाद एक्ट होगा जो भी होगा, उसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू मिलके डील बनाएंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए इसमें इसराइल की चालाकी भी बताई गई है इस ओपिनियन, इस एनालिसिस में, एक्सपर्ट का ओपिनियन मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा है कि एक बार आराम कर लिया इसराइल की आर्मी ने, एक बार अपने आप को वापस से हथियारों से भर लिया, क्योंकि अभी आपको पता है हिजबुल्ला से एक अलग मोर्चा चल रहा है, गाजा से अलग मोर्चा, तो उनके भी सोल्जर्स, इसराइल के सोल्जर्स भी थक गए थे, ड्यूटी पे ही नहीं पहुंच रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, तो भाई 60 दिन का ही आराम करने का वक्त दिया गया, 60 दिन बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आराम करके अपने आप को वापस से तरोताज़ा करके फिर उतर जाएंगे मैदान में, तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं देखिए। और इसमें यही बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला से पूरा फोकस हटा के गाजा पे लगाया जाएगा, गाजा में और लाशें बिछाई जाएंगी, गाजा को और सताया जाएगा, और फिर ईरान पे फोकस तो है ही। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इस सीज फायर डील का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, और आपको पता है पूरी दुनिया तो खुश है ही कि कम से कम एक फ्रंट तो रुका, हिजबुल्ला और इसराइल में कुछ तो पॉजिटिव जो रे ऑफ होप है हमको दिखी। आगे देखिए, और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, रॉयटर्स की खबर है, इसराइल स्टेप्स अप बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल गाजा, सेंट्रल गाजा में नए हमले किए हैं इसराइल ने और एक ही बार में 17 लोग मर चुके हैं। ये देखिए गाजा में नए हमले शुरू, क्योंकि अब तो ना हिजबुल्ला हमले कर सकता है ना इसराइल हमले कर सकता है जब तक एक बहुत बड़ा वायलेशन नहीं हो जाता है सीज फायर का, वो जो इतने दिनों से मैं आपको बता रही थी कि हवाई हमले हो रहे हैं वो अब नहीं होंगे। तो देखिए इसी तरीके से गाजा पे अब पूरा फोकस है। और देखिए रॉयटर्स की आप एक और हेडलाइन पढ़िए, उन्होंने कहा है स्टिल काउंटिंग इट्स डेड, भाई हिजबुल्ला पूरा का पूरा ये डील खत्म तो हो गई है, लेबनान के लोग वापस अपने घर को वापस तो आ रहे हैं लेकिन वहां पर तो खंडर है, वहां पर तो अभी भी न जाने कितनी लाशें अंदर ही दबी हुई हैं, अभी तक ये लोग अपने जितने भी लाशें हैं उनको गिन ही रहे हैं, तो मतलब इस पूरे चीज से निकलने के लिए अभी उनको बहुत वक्त लगने वाला है, उनके पूरे घर तहस नहस हो गए हैं, खंडर बन चुके हैं, तो अब उनको वहां पर रहना है, मतलब इस वॉर से अब वो ये जितना भी नुकसान हुआ है उससे कैसे निकलेंगे ये बड़ा सवाल है। आगे देखिए आप सामने देख सकते हैं ईरान भी इस वक्त पीछे नहीं है, भाई ईरान ने ये कह दिया हम बड़े खुश हैं कि हिजबुल्ला इसराइल में डील हो गई, लेकिन इसका मतलब ये है कि हिजबुल्ला ताकतवर निकला, इसराइल ने तो सोचा था हम साउथ लेबनान में घुस के ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे हिजबुल्ला को पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हिजबुल्ला की रेजिलियंस इतनी निकली, ताकत इतनी निकली कि अंत तक अड़ा रहा और फिर इसराइल को साइन करनी पड़ी सीज, यानी युद्ध विराम की डील साइन करनी पड़ी और रुकना पड़ा, ये ईरान का निकला है मतलब,
कि हिजबुल्ला इतना ताकतवर कि इसराइल उसको हरा ही नहीं पाया। लेकिन इसराइल एक दूसरी भी तो वॉर लड़ रहा है, किससे? अमेरिका से। भाई न्यूक्लियर पावर की, ईरान को कोई न्यूक्लियर पावर बनने ही नहीं दे रहा, उसमें रोड़े कौन अटका रहा है? अमेरिका और इसराइल। और उनको भी लगता है कि भाई ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, लेकिन ईरान ने फिर धमकी दे दी है। अभी आपको पता है कि जिनेवा में पूरी की पूरी मीटिंग प्लानिंग है यूरोपियन कंट्रीज से, यूरोपियन पावर से, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो। अब उसमें ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका की सरकार हम पर वापस से सैंक्शंस लगाती है, तो फिर ये जो न्यूक्लियर वेपन्स वाली डील हमने की थी ना, कि भाई हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो आपने सैंक्शंस जितने भी लगा दिए थे, तो फिर हम उसकी सोचेंगे नहीं, हम वापस से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जुट जाएंगे। तो देखिए नई धमकी है। और आपको भी पता है ट्रंप की सरकार मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी पे काम करती है। आगे देखिए एसोसिएटेड प्रेस की मैं आपको तीन हेडलाइंस बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले तो है लेबनान ने खुद कहा है कि दो जने घायल हो गए हैं, कि भाई सीज फायर होने के बाद भी इसराइल ने हमले कर दिया, और उसमें जो ये लोग लौट रहे थे, जो सिविलियंस लौट रहे थे, उसमें से दो घायल हो गए। इसराइल इसमें कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने सस्पेक्ट्स पे फायरिंग की। अच्छा आगे देखिए, गाजा में अभी युद्ध का अंत नहीं हुआ है, एक तरफ से युद्ध रुका है, दूसरी तरफ से अभी भी वेस्ट बैंक गाजा में जारी है। और देखिए फ्रांस, आपको पता है जो इंटरनेशनल कमेटी बनी है उसमें यूएस और फ्रांस है, इन दोनों के चलते ही पूरी की पूरी सीज फायर डील हुई है। लेकिन फ्रांस, आपको पता है पहले उसके बहुत ही विरोधी सुर थे इसराइल के खिलाफ, लेकिन अब वो थोड़ा बैलेंस हो गया है। अब अगर आप देखेंगे कि नेतन्याहू के खिलाफ जो आईसीसी वारंट निकला है, उस पर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। भाई फ्रांस ने कहा है कि हम क्लोजली वर्क करेंगे नेतन्याहू के साथ, और क्योंकि नेतन्याहू आईसीसी के मेंबर नहीं हैं, तो अगर वो फ्रांस आते हैं तो हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, चाहे उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट क्यों ना निकला हो। और देखिए IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है, IRGC चीफ ये कह रहे हैं लेबनान की सीज फायर डील को फाइनल करके ये एक बहुत ही अपमानजनक हार है इसराइल के लिए। ये कह रहे हैं सोलेमानी, जो कि मेजर जनरल हैं IRNA, आप देख सकते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी जीत है, क्योंकि उनका एलाय जो है इतना ताकतवर निकल रहा है, लेकिन इसराइल के लिए बहुत ही शर्मनाक हार है। आगे देखिए सईद अब्बास अग्रीची ये कहते हैं नेतन्याहू जितना भी उनके पास फंड पहुंचता है, कहां से पहुंचता है भाई, यूएस मदद करता है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो फंड हो, अच्छा वो सारा पैसा किसका है? यूएस टैक्सपेयर्स का पैसा है। तो उनके हिसाब से जो यूएस सिटीजन का पैसा इस्तेमाल करते हैं नेतन्याहू, उनके पास हथियार आते हैं और वो लोग जाके गाजा में और लेबनान में हमले करते हैं। लेकिन ये जो डील की है, तो एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि हिजबुल्ला जो है उसको आप हरा नहीं सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा एक मिथ बना हुआ था कि इसराइल इनविंसिबल है, तो वो मिथ हमने तोड़ दिया है। और देखिए हाई टाइम फॉर इसराइल टू एक्सेप्ट डिफीट इन गाजा, तो मतलब ये जो सीज फायर है ना, वो चाहे वो हिजबुल्ला हो, ईरान हो, वो ये इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसराइल ने अपनी हार मान ली है हिजबुल्ला के आगे भी, और अब उसको गाजा में हमास के आगे भी अपनी हार माननी चाहिए सीज फायर डील को अप्रूवल देके। आगे देखिए लेबनीज लोग अभी भी, कल पहला दिन था, मैंने आपको बताया था झंडे लेकर नसरल्ला की फोटो लेकर सब लोग लौट रहे थे, और आज भी ऐसे ही आपको ये जितनी भी लाइनें दिख रही होंगी गाड़ियों में, सब लोग अपने घर को, अपने जो खंडर हो गए सारे घर, उधर वापस लौट रहे हैं। आगे देखिए हिजबुल्ला ने एक आंकड़ा दिया है 4600 ऑपरेशंस का, जो कि इन्होंने 417 दिन में किए हैं इसराइल के ऊपर, ये हिजबुल्ला ने एक नया आंकड़ा दिया है। आगे आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे IRNA न्यूज एजेंसी की तरफ से अपडेट आई है कि फ्यूनरल की तैयारी चल रही है नसरल्ला और तौर सैफुद्दीन की, अभी तक हुआ नहीं था आपको भी पता है, क्योंकि हालात बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, तो अब बहुत ही सही टाइम पे ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फ्यूनरल दोनों जनों का करें। ईरान ने तो UNSC में ये भी कहा है कि भाई इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ कि वो केमिकल हथियारों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करे, ईरान की तरफ से ये अर्जी डाली गई है UNGC में। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साउथ लेबनान के लोग वापस अपने जगह पर लौट रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी इसराइल के झंडे लगे हुए हैं, चाहे पानी की टंकी के ऊपर, चाहे किसी पिलर के ऊपर, तो उनको फाड़ रहे हैं, यानी वो दिखाना चाह रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे दिखाना चाह रहे हैं कि हमने कैसे इसराइल को हरा दिया है, हम अपने घर पे वापस लौट गए हैं, और झंडों को फाड़ फाड़ के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपको जो ये कब्जा करना था तो आपका कब्जा भी यहाँ से हट चुका है, हम लोग वापस लौट चुके हैं। तो इस तरीके के विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और अगर आप अल जजीरा का एक ही ओपिनियन पीस पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें साफ लिखा हुआ है इसराइल हैज़ नो इंटेंशन ऑफ विदड्रॉइंग फ्रॉम गाजा, यानी हिजबुल्ला से तो सीज फायर डील कर ली, लेकिन गाजा से कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका मतलब यह है कि आप उस डील में क्या है, आपको पता है ना कि इजिप्ट पूरा मीडिएटर है,
भाई ये जो हिजबुल्ला और इसराइल की डील हुई है उसमें मीडिएटर कौन? यूएस और फ्रांस। लेकिन जो गाजा के साथ डील है इसराइल की उसमें मीडिएटर है इजिप्ट। और उस डील में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने हॉस्टेजेस चाहिए जो कि हमास के पास हैं, इसराइल की तरफ से आपको बता रही हूँ, तो आपको हमारे भी कुछ बंधक छोड़ने पड़ेंगे, यानी जो फिलिस्तीनी आपके पास कैद हैं वो भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। आप ये नीचे देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है इस डील में आपको रुक जाना पड़ेगा, ये जो बंदी हैं वो एक्सचेंज होंगे, यानी आपके हॉस्टेज हम छोड़ेंगे और जो आपके पास गिरफ्तार हैं हमारे लोग फिलिस्तीनी लोग उनको आप छोड़ोगे। अच्छा, मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे बेन गवीर जो कि इसराइल के एक नेता है उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर ऐसी कोई भी डील होगी जिसमें हमको फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ना पड़ेगा तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही हुआ था कि हमने एक पुरानी डील में 2011 की डील में याहा सिनवार को छोड़ दिया था, और जैसे ही छोड़ दिया था तो देखिए फिर 2023 में क्या हुआ, हमास का पूरा जो मास्टरमाइंड वो कौन? याहा सिनवार। तो अब हम हजारों सिनवार नहीं छोड़ सकते हॉस्टेजेस के बदले, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको कल बताया था। तो देखिए इस तरीके के हालात इस वक्त वहां पर चल रहे हैं। अब आगे पूरा का पूरा फोकस गाजा पर हो गया है इसराइल का। आप देख सकते हैं जो हमारा आखिरी पॉइंट था कि बाइडेन ने तो सोच लिया है कि जाते जाते मैं तो गाजा की डील भी करवा कर जाऊंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कल ही ऐलान किया है कि हमने हिजबुल्ला वाली डील तो करवा दी, सीज़फ़ायर डील, लेकिन जाते जाते हम लोग क्लोजली वर्क करेंगे किसके साथ? तुर्की, इजिप्ट, कतर, इसराइल के साथ, और फिर हम सुनिश्चित करेंगे कि गाजा में भी सीज़फ़ायर हो और वहां पर हमास जो पावर में बैठा उसको हटा दे। तो ये पूरा उनका प्लान है। आप ये भी देख सकते हो कि बाइडेन ने एक और पोस्ट किया है कि मेरा तो पूरा प्रेसिडेंसी का एक बड़ा सा गोल था कि भाई मिडिल ईस्ट में पीस वाले हालात में कायम करूं, मिडिल ईस्ट इज एट पीस, प्रॉस्परस एंड इंटीग्रेटेड अक्रॉस बॉर्डर्स। लेकिन क्या ऐसा हो भी पाएगा? आप देख सकते हैं कि कैसे इसराइल तो बिल्कुल राजी नहीं है कि हम लोग गाजा में सीज फायर करें। तो क्या बाइडेन और नेतन्याहू की लड़ाई होगी? क्या फिर अगर ट्रंप भी आकर ये कोशिश करेंगे कि भाई गाजा में सीज फायर होना चाहिए और नेतन्याहू उसके लिए राजी नहीं है, तो क्या इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी? क्या बात आगे और बिगड़ेगी? तो देखिए ये तो सब पता चलेगा जब ट्रंप की ऑफिशियल ताजपोशी हो जाएगी 20 जनवरी को। अभी हालात मैंने आपको वहां पर बता दिए हैं। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सीज फायर डील हुई है एक फ्रंट पे जो रुकी है तो कम से कम वो होल्ड करे। जो ये 2 महीने का समय दिया गया है, 60 दिन का समय दिया गया है, इसमें कुछ इधर से उधर ना हो, क्योंकि अगर हल्की सी भी लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है तो हालात और बिगड़ जाएंगे। और गाजा में, अगर गाजा में पूरा फोकस आ गया है तो गाजा में भी ये चीज़ हो जानी चाहिए। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।